कैन पुलिस ने जान मारने की नियत से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैन थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को कूड़ाघाट तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गोविंद चौधरी पुत्र रामधनी निवासी प्रेमनगर कॉलोनी सुबह बाजार थाना कैन जनपद गोरखपुर, दूसरा विनोद साहनी पुत्र चन्नू साहनी निवासी ग्राम विशनपुरवा थाना कैन जनपद गोरखपुर, तीसरा भरत पुत्र फुन्नू निवासी ग्राम विशनपुरवा थाना कैन जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैन थाना प्रभारी ने बताया कि 19 मई को आवेदिका लक्ष्मी देवी पत्नी मिठाईलाल निवासी विशनपुरवा थाना कैन जिला गोरखपुर की दुकान पर अभियुक्तगण चुन्नू मुन्ना महेंद्र पुत्र स्वर्गीय रामजीत महेंद्र पुत्र गोलू एवं झीनक पुत्र स्वर्गीय बासु सीता पत्नी स्वर्गीय भोला सूरज चंदन पवन गोलू पुत्र स्वर्गीय भोला तेरस पुत्र स्वर्गीय गोकुला निवासीगढ़ विशनपुरवा सत्येंद्र चौधरी पुत्र जयदलाल निवासी सिंघड़िया थाना कैन गोरखपुर भूमाफिया शत्रुधन मिश्रा सुनील सिंह उर्फ सुनील चौधरी पुत्र खरभान गोविंद चौधरी खोराबार निवासी व करीब 10 की संख्या में अज्ञात लोगों द्वारा लगभग 1:30 बजे रात्रि को कब्जा करने की नियत से JCB के द्वारा बाउंड्री व दुकान को तोड़ने व मना करने पर आवेदिका व उसकी पुत्री के ऊपर JCB चढ़ाने के प्रयास के संबंध में आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैन थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, अरविंद कुमार यादव, अभिनव मिश्रा, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल वैभव शामिल रहे। Thank you.